Hi friends, this is Deepika and you are with me on my channel Maths with Arna. Aaj hum question number 5, class 9, circle, exercise 10.6 optional se karenge. Aaiye read karte hain. Hamara question number 5 hai, prove that the circle drawn with any side of a rhombus as diameter passes through the point of intersection of its diagonals. To dekhiye hamara question kya kehta hai. हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो ए बी को डायमीटर मानते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉन कर लिया, तो जो मेरा सर्कल जाता है वो ए सी और बी डी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाता है जो कि इसके डायगनल है. तो मैंने माना ए बी एक रोम्बस है और ए सी और बी डी जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो ओ से करते हैं, तो मुझे यही मानना है कि ओ क्या होगा, सेंटर होगा. तो हम बहुत आसानी से इसको प्रूव कर देंगे. देखिए हमारा सिंस ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है, इज अ रोम्बस. अगर ये रोम्बस है तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. क्यों होगा, डायगनल ऑफ ए रोम्बस, डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस के डायगनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को एट 90 डिग्री. हमें पता है कि ये रोम्बस के जो डायगनल है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 डिग्री हो गया, ठीक है. अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है एंड ए बी क्या कह रहा है, ए बी इज अ डायमीटर एंड ए बी क्या है, डायमीटर है, तो क्या इम्प्लाइज कर गया, ठीक है, ए बी डायमीटर है तो इट विल बी एंगल इन अ सेमी सर्कल. भाई ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया, और अगर ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया तो ओ मस्ट बी द, ओ क्या होगा, ओ हमारा सेंटर हो, तो हमारा सेंगल हो गया. तो इट मीन्स इफ, ठीक है, क्या इम्प्लाइज करेगा, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं विद साइड ए बी एज डायामीटर, डायामीटर मानते हुए, इट विल मस्ट पास थ्रू ओ, ओ से पास करेगा, और ओ क्या है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ द डायगनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के डायगनल का, तो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.